संतों ने हमेशा एक बात कही कि भाई परमात्मा को जानने की, जिन लोगों ने जान लिए उनके अनुभव को जान लेने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना अनुभव करना पड़ेगा। कहा कि दूसरों की सुनी सुनाई बातों से काम नहीं चलेगा। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, क्या साहे जो खुद नहीं ब्याहे। भाई साहे का मौसम आया, सबकी शादी हो रही, लेकिन अगर आपकी नहीं हुई तो आपके लिए उन सायों का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। किसी ने परमात्मा को पा लिया तो उससे आपको क्या हासिल? आपको तो जब हासिल है जब आपने अपने आप परमात्मा को पाया। इसलिए संत कहते हैं कि भाई मैंने पाया तो मेरे साथ आओ, तुम भी परमात्मा को प्राप्त करोगे, और जब प्राप्त करोगे तब सारी शंकाएं मिट जाएंगी। तो हमेशा से संत ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताते रहे। संतों के अलावा जितने भी महंत हैं, जितने भी भेषधारी हैं, इन्हें परमात्मा की समझ नहीं, ये हमें दुनिया के झंझटों में उलझा देते हैं, और इसमें उलझा कर हमें सारी जिंदगी इसी में लगा देते हैं, और अंत में हालत ये होती है न उन्होंने पाया, वो भी रोते पीटते जाते हैं इस दुनिया से, और जो उनके पास जान लगते हैं वो भी रोते पीटते जाते हैं। इसलिए गुरबाणी में कहा कि कच्चे का साथ छोड़कर पक्के की साथ लगो, ऐसे की साथ लगो जिसने परमात्मा को पाया। जिसने परमात्मा को पाया नहीं उसके साथ लगकर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, और जब किसी पक्के के साथ लगकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो कहा वो दूर तक, जब तक हम परमात्मा में जाकर समा नहीं जाते तब तक वो हमारा साथ निभाता है, हमें बीच में दगा नहीं देता, हमें बीच में टाटा नहीं कर देता कि अच्छा मैं तो मर रहा हूं मैं तो जा रहा हूं काल के हाथों, भाई तुम्हारी तुम जानो। वो कहता है कि जब मैंने नाम दे दिया तो काल का आपके जीवन में कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी दखल नहीं है। जिस जीव को संत नाम दे देता है काल उसे मौत के समय भी लेने नहीं आता, गुरु ही उसे लेने आता है। हुजूर कहा करते थे कि गैर सत्संगी भी अगर संत वहां बैठा है तो संत के बैठे हुए भी काल उस गैर सत्संगी को लेकर नहीं जा सकता। तो इसलिए बात समझ लेने की है कि संत ही हमें इस जंजाल से छुड़ाते हैं। काल के जंजाल से अगर कोई छुड़ाता है तो वो संत। तो वेद के इस मंत्र में बताया है कि जब पूर्णता प्राप्त कर लेता है कोई साधक और उसे जाकर परमात्मा में मिलना होता है तो उस समय परमात्मा उसे अपना काम करने के लिए कभी कभी संसार में भेज देता है और वो संत का जन्म होता है। उस दिन भगवान बुद्ध का मालूम है, उन्होंने जंगलों में तपस्या की और करने के बाद जब पूर्णता प्राप्त कर ली तो वर्णन आता कई दिन तक वो असमंजस में रहे। परमात्मा चाहता था कि वो दुनिया में काम करें और उनका मन काम करने का नहीं था, उनका मन था वो जाकर परमात्मा में विश्राम करें, इस दुनिया के झंझट में न फंसे। संत बनना कोई आसान काम नहीं है, संत का काम कोई आसान काम नहीं है। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि संत संगत को ऐसे रखता है जैसे मेंढकों को तोलना पड़ता है, सारे उछलते हैं सारे कूदते हैं, कोई आदमी वजन की बात नहीं करता, सब दुनिया की बात करते हैं, लेकिन उन सब को रोल कर पुचकार कर कुछ देकर कुछ बहका कर वो परमात्मा की भक्ति में लगाता है। क्योंकि दुनिया की सारी चीजें मिल जाएं और परमात्मा की भक्ति नहीं की तो भी हमें नरकों में जाना पड़ेगा, तो संत उस नरक के द्वार को बंद करके अपने जीवों को किसी तरह भी परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं। तो वेद कहता है कि जब संत आते हैं संसार में तो परमात्मा उन्हें कोई जीव दे देता है कि तुम्हारे जीव है, और वह उन्हीं जीवों को इस संसार में देखभाल करते हैं।
कई बार संत एक जीव के लिए हजारों मील की यात्रा करता है, कई बार संत उसके पास रहते हुए जीव को नाम नहीं देता। कारण यह है कि उसके ऊपर उसकी मोहर नहीं होती। तो कहा कि जो जीव उसके होते हैं, जो परमात्मा ने उसे सौंपे हैं, उन्हें वो धिया इसी तो उन्हें परमात्मा का भजन कराता है। और वेद में कहा वो परमात्मा का भजन, वो परमात्मा का दर्शन उसकी आत्मा का भोजन है। उसे खाकर आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर ये दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं फंसती, फिर ये दुनिया के लालच में इधर उधर भटकती नहीं फिरती, अपने में तृप्त हो जाती है। जिसे नाम का धन मिल जाता है, उसे दुनिया के सारे धन धूल के समान हो जाते हैं, वो उनकी परवाह नहीं करता। और इसीलिए भजन को कहा कि वो हमारी आत्मा का भोजन है। किसी को भोजन देने के बजाय आप भोजन की चर्चा करते रहो तो उससे कोई फायदा नहीं। जब मैं नाम देता हूं तो अक्सर कहता हूं कि परमात्मा की भक्ति परमात्मा की चर्चा करने को, उसकी पूर्ति पूजने का नाम नहीं, क्योंकि ये तो हमारी आत्मा का भोजन है। जब तक हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होता, जब तक हम उसे अपने अंदर समा नहीं लेते, तब तक भक्ति का कोई मायने नहीं होता। और उससे क्या होता है, सुरतवंत, वो हमारी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ जोड़कर हमारा मार्गदर्शन करता है। हम कहीं रहे, हजार मील दूर रहे संत से, लेकिन कभी उससे अलग नहीं होते, क्योंकि वो अपनी आत्मा से हमेशा हमारे साथ रहता है। कबीर साहब ने कहा, गुरु बसे बनारसी सिख सा समुंदर तीर, एक पल कभी ने भी छिड़े जो गुण हो शरीर। तो संत जब नाम देता है वो हमारे अंतर में बैठ जाता है, हम भूल जाए वो भूलता नहीं, हम उसे याद करने करें। जब भी वो देखता है कि वो अगीर परेशानी में और उसे संत की आवश्यकता है, तो उसे आकर मदद करता है। कई बार हम भूल भटक कर सालों तक सत्संग में नहीं आते, लेकिन जब याद आती है उसकी, जब उसकी दया मेहर होती है, जब उसकी खींच पड़ती है, तो हम दोबारा उसके पास जाते। तो संत ये सारे काम हमारे पिछले कर्मों को भुगतवाते हुए करता है, जिससे हम कर्म भी भुगत लें और इस रास्ते से टूटे भी नहीं, छूटे भी नहीं। तो बताया वो आत्मा से हमारे साथ रहता है।